हाय स्टूडेंट, आई एम आर टीचर पवार सर। फर्स्ट असाइनमेंट में आपने लाइन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी जो है वही लाइन से हमें क्या करना है, शेडिंग भी करना है। पहले हम क्या करेंगे, ये फ्रूट जो है पहले हम ड्रा करेंगे, और उसके बाद में जो शेड्स है, शेडिंग के जो स्टेप है, वो स्टेप के हिसाब से हम आगे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है स्टूडेंट। हाँ, ये जो स्टेप है, थ्री स्टेप, ये थ्री स्टेप पहले क्या करना है, हमें पहले ड्राइंग करनी है इस तरीके से, और फिर सेकंड स्टेप में जो है यही ड्राइंग जो है थोड़ा उस शेडिंग जो है वो लाइट शेडिंग उस तरीके से थोड़ा ये करना है, फिर लास्ट शेडिंग जो है डार्क शेडिंग, और फिर शैडो भी है इसमें। तो ये थ्री स्टेप में आपको वर्क करना है। तो मैं जैसे ही करता हूँ उस तरीके से आपको मेरे साथ में करना है, ओके। हाँ स्टूडेंट, ये जो वर्क है पहले क्या करो कि स्केच कर लो, एक ही वर्क, ऐसे थ्री स्टेप में आप जो ये थ्री टाइप का किया है उस तरीके से नहीं, आप एक भी एक ही कर सकते हो। पहले ड्रा करो, फिर ड्रा होने के बाद उसको ही लाइट शेड करो, फिर उसको ही डार्क शेड करो। इस तरीके से एक ही जो स्केच है उसको ही पूरा जो वर्क है थ्री स्टेप में आपको करना है, ओके। पहले हम ड्रा करेंगे इस तरीके से, मैं जैसे ही बताया उस तरीके से आप फास्ट तरीके से जो है वो ड्रा करके लेंगे। ये फ्रूट, ये ड्राइंग करनी है, इस तरीके से बनाना, ये पहली स्टेप है। ये स्टेप आप, मैं जैसे ही कर रहा हूँ मन लगा के करना है, आपके मन से कौन सा है फ्रूट ले सकते हो। एप्पल, ये रहा फर्स्ट स्टेप हुआ, ओके ओके। इस तरीके से कंप्लीट करना है एकदम लाइट से। एक आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टोन जो है ना, इस तरीके से, ओके। अभी डार्क टोन, लास्ट टोन जो है ना, तो डार्क और फिर शैडो, ये दो स्टेप में आपको फास्ट में काम करना है। शैडो, ये रहा डार्क टोन।
इस तरीके से हमें ये वर्क जो है कंप्लीट करना है। ओके, इस तरीके से ये वर्क हमें कंप्लीट करना है। ये रहा फाइनल वर्क। ओके, यस, कंप्लीट करना। ओके, तो ये वर्क करके आपका जो भी प्रॉब्लम हो तो ईमेल आईडी पे जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताना, और पूरा वर्क कंप्लीट करके भी बताना है। ओके, बाय।